देखिए, इसके बारे में तो अभी हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार तक, और 99 जैसे पार होगा वैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चाचा शिवपाल ने बहू डिंपल पर की गई टिप्पणी पर साफ चेतावनी दे दी है। शिवपाल ने कह दिया है कि 99 बार देखेंगे, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। और देखिए, जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे, और 99 जैसे पार हो गए तो बस फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिरफ्तारी को लेकर के मुकदमा दर्ज हो गया है, महिला जो नेता है बीजेपी की, उनकी गिरफ्तारी को लेकर तो कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा है, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सपा के सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। उसके बाद सपा ने भी बीजेपी नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ डिंपल यादव के लिए अभद्र टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज कराया है। वहीं अब चाचा शिवपाल क्यों 99 बार बोलते हैं, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल चाचा शिवपाल यहाँ खुद को और पूरे यादव परिवार के यदुवंशी होने का संकेत करते हैं। तो चाचा शिवपाल बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं जैसे श्री कृष्ण महाभारत में शिशुपाल वध के दौरान बोलते हैं। 96 से लेकर वो 99 तक शिशुपाल के दुस्साहसी शब्दों को गिनवाते हैं, और 99 के बाद 7वीं बार में शिशुपाल का वध श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से कर देते हैं। यानी शिवपाल यादव कहते हैं कि अगर अब आगे कुछ और हुआ तो बीजेपी का अंत तय है। वहीं इटावा में शिवपाल यादव इस दौरान निकाय चुनाव समेत कई और मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेरते हैं। देखिए, पहले तो सरकार ने बहुत ढिलाई दी है, तो उसकी वजह से चुनाव समय पर नहीं हो रहा है। अब तो कोर्ट जब भी निर्णय देगा, अब कोर्ट का इंतजार है, अब कोर्ट सीधे निर्णय दे और फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हों। तो सरकार जिस तरह से निकाय चुनाव को होल्ड करा रही थी, तो क्या लग रहा था कि सरकार को ये डर था कि कहीं हार न जाए पूरे प्रदेश में? देखिए, सरकार ने कोई अच्छे काम तो किए नहीं प्रदेश की जनता के लिए, और कोई वादे भी पूरे नहीं किए हैं, और पूरी तरह से प्रदेश की जनता दुखी है सरकार के कारनामों की वजह से। बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं पर भी देखिए किसानों के MSP के बराबर उसकी फसल की कीमत भी नहीं दे रहे हैं, तो ये समस्याएं हैं। उधर बिजली के बारे में भी बहुत परेशानियां आ रही हैं, इतनी महंगी बिजली, और बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं, और छापे अलग पड़ रहे हैं, जुर्माना अलग हो रहे हैं, तो ये सब परेशानियां हैं। तो जब परेशानियां इतनी दी हैं जनता के सामने, तो फिर चुनाव के परिणाम भी अच्छे नहीं आने हैं। तो शिवपाल निकाय चुनाव से लेकर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन जिस तरह से चाचा शिवपाल ने सपा और बीजेपी के बीच मचे इस नए घमासान पर बोला है, उस पर आप भी अपनी राय जरूर रखिए। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।